गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद पॉलिनोमियल्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो सभी छात्र जो हम पीडीएफ भेज रहे हैं उसको नोट कर लेंगे और उनको हम किस तरीके से उनके आंसर सही चेक चुनेंगे उनको आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो आपको नियम पता है, शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। क्लियर। और दूसरा है कि अल्फा प्लस इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर क्वेश्चन में ए इक्वल टू है, आपको यहां देखिए इसे कंपेयर करिए, यहां पर ए इक्वल टू है 1, बी इक्वल टू है -1 और सी इक्वल टू है 4। तो हमको किसका मान चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी का मान है -1 और ए का मान है 1, तो ये आ जाएगा आपका +1। क्लियर। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? +1 सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। तो अगर बहुपद द्विघाती है तो उसमें द्विघाती का मतलब होता है उसकी घात जो है 2 है अधिकतम। तो इसका जितनी इसकी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहां पर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a प्लस बी हो तो a इंटू बी का मान बताइए। तो अभी हमने प्रीवियस में बताया था जो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा, कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ये हमने अभी फार्मूला पहले क्वेश्चन में लिखा था। तो यहां पर c कितना है? 5 और a कितना है? 1। तो कितना आंसर आएगा? 5। तो सही आंसर कौन सा है? 5। चौथा, मूलों का योग। तो अभी हमने फार्मूला आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर बी कितना है? यहां देखिए आप, बी इक्वल टू है -4 और ए इक्वल टू है 1, तो इसका मान आ जाएगा +4। तो सही आंसर क्या होगा? +4। त्रिघात, फिफ्थ, तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक हल कौन सा होगा? तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, इसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 3। तो 3 घात वाला आपको कौन सा दिख रहा है बहुपद? सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक यहां पर बहुपद दिया हुआ है और उसके मूल दिए हमको 1 अपॉन अल्फा बीटा इसके मूल है। तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखिए आप कि यहां पर मूल क्या दिए हुए हैं? अल्फा तथा बीटा। क्लियर। मूलों का योगफल कितना होगा?
अभी हमने फॉर्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए, तो यहां पर बी का मान कितना है माइनस फाइव और ए है वन, तो इक्वल टू फाइव। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यहां पर सी कितना है सेवन और ए कितना है वन, तो इक्वल टू सेवन। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहां मान आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है फाइव और अल्फा इंटू बीटा कितना है सेवन, तो सही आंसर क्या होगा इसका फाइव अपॉन सेवन। तो इसका आंसर है बी फाइव अपॉन सेवन। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, तो यहां पर बहुपद दिया हुआ है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। हम इसमें क्या करेंगे सी माइनस सेवन को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे कि दोनों भाग का योग सेवन तथा गुणनफल सेवन इंटू थ्री एटीन हो। क्लियर। तो हम यहां देखते हैं कि सेवन के स्थान पर हम क्या रख देंगे इसको नाइन एंड टू, सेवन इक्वल टू नाइन माइनस टू। क्लियर। ये होता है। अब इसका यूज करिए आप तो बहुपद क्या हो जाएगा आपका सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको आप कॉमन निकाल लीजिए तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा थ्री एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो यहां बचेगा टू एक्स माइनस थ्री और यहां वन कॉमन निकलेगा टू एक्स माइनस थ्री। तो यहां पर आप देखेंगे थ्री एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री। तो अगर हम थ्री एक्स प्लस वन को जीरो लेंगे या टू एक्स माइनस थ्री को जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री और एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू बाई थ्री। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा इसमें देखेंगे आप टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री और ये है आपका थ्री बाई टू। इस थ्री को गया तो थ्री बाई टू, तो कौन सा आंसर है सही दिख रहा आपको माइनस वन बाई थ्री किसमें ये है और थ्री बाई टू, तो आंसर क्या होगा आपका ए। क्या आंसर है थ्री बाई टू माइनस वन बाय थ्री। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो हमको पता है कि बहुपद में चर की घात
धन पूर्णांक होना चाहिए। तो हम यहां देखते हैं सी में थ्री रूट एक्स प्लस टू एक्स प्लस सेवन, तो इसको हम देखते हैं कि थ्री एक्स की पावर वन बाई टू प्लस टू एक्स प्लस सेवन। तो यहां पर ये जो घात है एक्स की घात जो क्या है कितनी है वन बाई टू, जो कि धन पूर्णांक नहीं है। इसीलिए यह बहुपद नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद में चर की घात एक होती है। और हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए में 2x माइनस 5 की घात एक है, अतः यह रेखीय बहुपद है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। क्लियर, कौन सा 2x माइनस 5 यह इसका सही आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा ऋण 15 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो हमको नियम पता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यह नियम होता है। तो यहां पर मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है 2x, और मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है माइनस 15। तो इसको हम देखेंगे, सिंपल करेंगे, माइनस 2x माइनस 15 ये इसका आंसर है। तो इसमें कौन सा आंसर दिख रहा है आपको सही, आंसर डी है जो है सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि 14 का सी, इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x प्लस एक्स की घात ऋण 1। तो यह जो ऋण 1 है वह क्या है, धन पूर्णांक नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, तो इसका आंसर क्या होगा सी। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप 16 क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें 1/x-1 यह जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो आप इसको 17 को
आप एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, कितना आ जाएगा आपका, एक्स कॉमन निकल गया एक्स माइनस थ्री और टू कॉमन निकल गया एक्स माइनस थ्री, तो यह आ गया आपका एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, तो शून्य क्या हो जाएंगे इसके थ्री एंड टू। तो इसमें देखिए थ्री एंड टू कहां दिया हुआ है, ए वाला दिया हुआ है सी, तो इसका सही आंसर क्या है आपका सी। अब हम 18 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक बहुपद दिया है तो इसका एक शून्यक होगा, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप मान रख के टेस्ट कर लीजिए, क्लियर। तो हम इसमें एक मान रख के देख लेते हैं, x इक्वल टू फोर रख के देखिए आप, p फोर कितना हो गया, फोर स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर माइनस फोर, तो कितना हो गया सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इक्वल जीरो, यह जीरो आ रहा है इसलिए आंसर इसका क्या होगा सही बी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनफल एक्स प्लस टू हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यक क्या होगा, तो यहां पर 19 देखेंगे कि यहां पर गुणनखंड क्या दिया हुआ है एक्स प्लस टू, तो यदि हम इसको जीरो लेके चलते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू इसका सही आंसर है। 20, यदि बहुपद पीएस का एक शून्यक फोर है तो वह निम्न में से किससे विभाज्य होगा, तो एक्स इक्वल टू फोर, तो इसको पक्षांतर करेंगे एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो बहुपद एक्स माइनस फोर से विभाज्य होगा, तो सही आंसर क्या है इसका डी एक्स माइनस फोर, तो ये सही आंसर है। ओके, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तो इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।